दोस्तों इस लेसन में हम लोग जिस प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के बारे में जिक्र करेंगे उसका नाम है जी कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट भी ग्राफिक डिजाइन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के तौर पे जाना और माना जाता है। तो देखते हैं कॉन्ट्रास्ट है क्या। दोस्तों अरेंजिंग ऑपोजिट एलिमेंट्स टुगेदर, दिस इज कॉन्ट्रास्ट। बेसिकली जब हम ऑपोजिट एलिमेंट्स को एक साथ इकट्ठा करते हैं किसी भी डिजाइन के अंदर तो कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी लाइट कलर को किसी डार्क कलर के साथ अरेंज कर दें या किसी लार्ज स्केल की चीज को किसी स्मॉल स्केल की चीज के साथ अरेंज कर दें और या फिर किसी रफ टेक्सचर को किसी स्मूथ या सिल्की टेक्सचर के साथ अरेंज कर दें तो होगा क्या कि वहां पे कॉन्ट्रास्ट पैदा हो जाएगा डिजाइन के अंदर। अच्छा दोस्तों कॉन्ट्रास्ट जो है ये करता क्या है। कॉन्ट्रास्ट विजुअल एलिमेंट्स के दरमियान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप पैदा करता है। कॉन्ट्रास्ट कैन आइदर पुल टुगेदर और इट कैन पुश अवे द एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। दोस्तों कॉन्ट्रास्ट से जो सबसे ज्यादा हेल्प हमें मिलती है वो ये होती है कि बेसिकली कॉन्ट्रास्ट की मदद से जो देखने वाले की आंख है उसको डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान फर्क करने का पता चलता है और वो इजीली डिफरेंशिएट कर सकता है डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान। अच्छा कुछ बात करते हैं कि कॉन्ट्रास्ट हम किस किस तरह से पैदा कर सकते हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। दोस्तों कॉन्ट्रास्ट को हम साइज को वेरी करके पैदा कर सकते हैं, इसी तरह से डिफरेंट शेप्स को हम इकट्ठा अरेंज करके कॉन्ट्रास्ट पैदा कर सकते हैं, हम वैल्यू को चेंज करके यानी कि टिंट्स और शेड्स को आपस में इकट्ठे अरेंज करके भी कॉन्ट्रास्ट पैदा कर सकते हैं, इसी तरह से वो कलर्स जो कि कलर व्हील के अंदर ऑपोजिट हों या जिस तरह से लाइट और डार्क कलर की हमने बात की तो हम इस तरह से कलर्स को डिफरेंट कलर्स को ऑपोजिट कलर्स को अरेंज करके भी कॉन्ट्रास्ट पैदा कर सकते हैं। और इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को या शेप्स को डिफरेंट डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करके भी कॉन्ट्रास्ट पैदा कर सकते हैं। अगर हम नजर दौड़ाते हैं इस विजुअल की तरफ तो हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले डायग्राम के अंदर डिफरेंट साइज के सर्कल्स को कुछ इस तरह से अरेंज किया गया है कि बड़े साइज के सर्कल्स और छोटे साइज के सर्कल्स की अरेंजमेंट से हमें उनके साइज में डिफरेंशिएट करना आसान हो गया है। इसी तरह से ये अगर आप देखें डिफरेंट शेप्स को जिस तरह से इकट्ठे प्लेस किया गया है यानी सर्कल के साथ अगर स्टार को हम प्लेस करें तो फिर हमें सर्कल और स्टार दोनों की शेप के अलग अलग होने का पता चलता है, तो इस तरह से भी कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे सर्कल्स आपस में इकट्ठे प्लेस किए गए हैं जिनमें से कुछ लाइटर टोन वाले हैं और कुछ डार्कर टोन वाले हैं, तो यहाँ पे वैल्यू की मदद से कॉन्ट्रास्ट पैदा किया जा रहा है। इसी तरह से डिफरेंट ऑपोजिट कलर्स के सर्कल्स को इकट्ठा जो है वो अरेंज करके कॉन्ट्रास्ट जो है वो बनाया गया है। और आखिर में हम देखते हैं कि यहाँ पे एरोस को ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो प्लेस करके कॉन्ट्रास्ट पैदा किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम साइज को चेंज करके शेप की मदद से डिफरेंट शेप्स को इकट्ठा अरेंज करके हम लाइटर टोन्स और डार्कर टोन्स यानी टिंट्स और शेड्स को इकट्ठा अरेंज करके कलर डिफरेंट ऑपोजिट कलर्स को और डिफरेंट डायरेक्शन में हम चीज़ों को अरेंज करके कॉन्ट्रास्ट अपने डिज़ाइन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा चलें एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल देखते हैं कॉन्ट्रास्ट के हवाले से। दोस्तों मैन ड्रेसिंग के अंदर जेंट्स की ड्रेसिंग के अंदर जब हम सूटिंग करते हैं तो ब्लू कलर के कोट या शर्ट के साथ ऑफ वाइट या ऑकर कलर की या किसी भी लाइट कलर की पैंट या ट्राउजर को पहनना हम बहुत पसंद करते हैं। बेसिकली हम एक ऐसा ड्रेस कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हैं अपने लिए जिसमें कॉन्ट्रास्ट मौजूद है, तो इस तरह से देखने वाले को हमारा जो कलर्स हैं हमारे ड्रेसिंग के वो बहुत ज़्यादा अपील करते हैं। इसी तरह से फीमेल्स की ड्रेसिंग में भी अगर हम देखें तो सेम प्रिंसिपल इसी तरह से अप्लाई होता है। तो आपने देखा कि हमारी डेली लाइफ में भी कॉन्ट्रास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अच्छा दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइन की स्पेसिफिकली अगर बात करें
तो ग्राफिक डिज़ाइन में डिफरेंट जो हम चीज़ें बनाते हैं, डिफरेंट आइटम्स प्रोड्यूस करते हैं डिज़ाइन के हवाले से, जैसे कि लोगो, वेबसाइट, पोस्टर, ब्रोशर, इन तमाम चीज़ों के अंदर कॉन्ट्रास्ट को बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख सकते हैं एक लोगो, ये एक बहुत ही मशहूर ज़माना कंपनी का लोगो है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऑपोजिट कलर्स को कुछ इस तरह से कंबाइन किया गया है कि ये कलर के बेस पे बहुत ही खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट ऐड कर रहा है इस लोगो के अंदर, और यही इस लोगो की खासियत भी है डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से अगर हम डिजिटल इलस्ट्रेशन को देखें तो हम देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स को, ऑपोजिट कलर्स को आपस में, लाइट और डार्क्स को आपस में कुछ इस तरह से कंबाइन किया गया है कि जो इलस्ट्रेशन है उसकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और देखने में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग गई है। इसी तरह से अगर हम इस पोस्टर को देखें तो हमें पता ये चलता है कि ना सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट के साइज़ को, स्केल को डिफर करके और डिफरेंट स्केल के टेक्स्ट को आपस में अरेंज करके यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बनाया गया है, बल्कि इसके अलावा ब्लैक और वाइट जो हमें पियानो की कीज़ के अंदर नज़र आ रहे हैं वो भी एक बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट जो है वो पैदा कर रहा है। तो दोस्तों, इन एग्जांपल्स के अंदर आप लोगों ने देखा कि कंट्रास्ट जो है ये डिज़ाइन में और ग्राफिक डिज़ाइन में किस कदर अहमियत का हामिल है, और हमारे डिज़ाइंस को अपलिफ्ट करने में और ख़ूबसूरत बनाने में कॉन्ट्रास्ट का किस कदर अमल दखल मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेसन पसंद आया होगा। अब आप लोगों ने जब भी कभी डिज़ाइंस देखने हैं तो आपने वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को लाजमी तलाश करना है, और जब आप अपने डिज़ाइंस बनाएं तो कोशिश करें कि ऑपोजिट एलिमेंट्स को इस तरह से क्रिएट करें कि वो बहुत खूबसूरत कंट्रास्ट पैदा करें आपके विजुअल्स के अंदर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी किसी नए प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के साथ।